नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज आचार्य जी बताएंगे कि घर में खंडित मूर्तियां रखने से कैसे होते हैं अपशकुन और साथ ही होता है नकारात्मक ऊर्जा का वास, और ये सब हम जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आपके सितारे। घर में ना रखें खंडित मूर्तियां, घर में होते हैं अपशकुन, नकारात्मक ऊर्जा का होगा वास। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे करें भगवान की पूजा। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है आषाढ़ का, ये अधिक मास चल रहा है, आपको जानकारी है। तिथि है कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा, योग है आयुष्मान और करण है कौलम। और चलिए जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर जिनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफी दिन से चल रही थी, आज की स्थिति में सामान्यता आपका स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रयासरत और संघर्षरत रहने से आपकी आय की बाधाओं में कमी आने के संयोग बनते हैं। आपके आय क्षेत्र में जो बार बार बाधाएं और विघ्न आ रही थी, आप निरंतर प्रयास करें तो आज आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपके लिए यात्रा सुखद रहने वाली है। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन होगी। इस समय में, इस दौर में नए मित्र बनेंगे, परंतु नए मित्रों पर तुरंत ही विश्वास कर लेना आपके लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा समय देना चाहिए संबंध को और मैच्योर होने में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए, और कार्य क्षेत्र में अगर कोई बाधा आ जाए तो उस रुकावट से आप तनावग्रस्त ना हो। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आज आपका अकेले में रहने का मन करेगा, एकांत प्रिय आज आप थोड़े से हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्य में अगर कोई अवरोध आता है तो उससे स्वयं को, मन को हताश और निराश मत करिए। और चलिए जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम पर पूरा ध्यान लगा करके ही आपको काम करना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि आज आपको अच्छे से सफलता मिलेगी। छोटी सी चूक, छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान भी आज करा सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। और चलिए जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है, और ये पार्टनर आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं और आपके व्यापारिक साथी भी, यानी बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आज आपको सामाजिक सम्मान प्राप्त करा दे, ऐसे संयोग भी बन रहे हैं। किसी व्यक्ति के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ये लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका कोई करीबी आज आपको मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, प्रेरणा स्रोत बन सकता है, आपको प्रेरित कर सकता है, आपको उसकी बातें माननी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने मन की चंचलता को अगर इस दौरान आप नियंत्रित करते हैं तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। और साथ ही बाकी की राशियों का भी फल जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने लगे हैं। यहाँ पर सबसे पहले किरण हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। किरण पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? रखिए अपना सवाल। एक वर्ण पूछना चाहते हैं जी। उसकी जन्म तिथि 12 अक्टूबर 1986 जी। सात में 12:03 लखनऊ में जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, क्षमा करें, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है इस जातक के लिए। राहु केतु का संयोग जो है इस जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। राहु भाग्य स्थान में और केतु का संयोग तीसरे भाव में सूर्य के साथ, ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। बल्कि शुक्र की जो अंतरदशा है वो इनके लिए पक्ष में बनती है, तो अगर इस दौरान राहु केतु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करके शुक्र के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस जातक को जीवन में काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इस लिहाज से इनके लिए राहु केतु और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, करा लेना चाहिए और इस जातक को स्वयं अपने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी या फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे इनको बहुत अच्छा फायदा आने वाले भविष्य में मिल सकता है। और साथ ही हमारे साथ राम अवतार चुरू से जुड़ गए हैं। राम अवतार पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं चरण स्पर्श बहुत दिनों से आप ट्राई करा था, आज आपको फोन लगाया मेरे। जी बिल्कुल बताएं। मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 10/9/93 में जी। टाइम है उसका 9:20 दिन का या रात का? ये दिन का है, सुबह का जी। तो गुरु जी पूछना चाहता हूँ ये क्या पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई सही नहीं हो रही, इसकी बीकॉम कर रहा था ये, उसको क्या कराएं, क्या नहीं, पढ़ाई आगे कराएं या न कराएं? जी बिल्कुल, आप मुझे इसका जन्म स्थान बता दे। ये चूरू में सुलांगड़ पड़ता है गुरु जी। जी चूरू जिला सुलांगड़ आता है, सुलांगड़ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा है। इनकी कुंडली में अगर पंचम भाव को देखते हैं तो वह पूर्णतः शनि प्रभावित क्षेत्र है। उसके अलावा अगर इनकी कुंडली में सप्तम भाव और कर्म भाव को देखते हैं तो वह पूर्णतः वित्त से संबंधित पढ़ाई लिखाई को सुझाता है। तो ऐसे में अगर आप इनको कोई भी आर्ट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो इसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है और आगे चल करके इसको मैनेजमेंट की डिग्री जरूर लेनी चाहिए। मैनेजमेंट की डिग्री जब ये ले लेगा तो वो कहीं ना कहीं से शनि से संबंधित भी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में काफी हद तक ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, एचआर जो है, वह शनि से प्रभावित क्षेत्र है, जहां आपको लोगों को मैनेज करना होता है और शनिदेव जो है वह मजदूर वर्ग के, नौकरी पेशा लोगों के नेता का एक स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप इनको इस तरीके से आगे प्रोत्साहित करें तो इस जातक को लाभ कहीं अधिक मिल सकता है। एक और कॉलर है जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? हाँ गुरुदेव, मेरे बच्चे का जन्म तारीख 9/1989 9:35 स्थान दिल्ली है जी। अभी हाल ही में उसने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से जी। बिल्कुल, ये जन्म समय जो है ये दिन का है या रात का? नहीं, सवेरे का है जी। हेलो जी, बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन ली है। और इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। इनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा हो सकता है, इस दौरान इनको थोड़ा सा क्रोध भी बहुत रहेगा, आपकी बात नहीं सुनने की स्थिति में भी रहेंगे, तो बड़े प्यार से, बड़ी सौम्यता से इनको समझाने की आवश्यकता है। इनको अगर छोटा सा उपाय शनि का करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इनका करियर बहुत ही सुनहरा हो सकता है। इनके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस जातक को आपको ये प्रेरणा देनी है कि नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करे, गणेश चालीसा का पाठ करना, गणेश चतुर्थीश का पाठ करना या फिर ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप स्वयं बच्चा खुद से अगर कर सकता है, इतना होनहार है, या फिर इसके अभिभावक इसके लिए इसके बिहाफ पर करते हैं तो इस बच्चे को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और साथ ही देहरादून से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कॉलर। संजय पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से?
नमस्कार जी, नमस्कार बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1981। जी मैं अपनी अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं आगे अपनी अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं उसमें सफल पाऊंगा। और शादी में बहुत दिक्कतें आ रही है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान भी बताइए। जी जन्म समय है मेरा 8:10। जी जन्म स्थान देहरादून। जी देखिए, संयोग की बात है कि हमारे पास सबसे ज्यादा कॉल्स जो आती हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आती हैं, और आप सरकारी नौकरी में होते हुए उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहरहाल आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा है और केतु का प्रत्यंतर है। चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, और उसके साथ साथ तीसरे भाव में ही जो है संयोग बन रहा है राहु का, जिसकी आपके लिए अंतरदशा चल रही है, और केतु का जो संयोग बन रहा है, जो स्थिति है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है। तो ऐसे में आप धार्मिक बहुत रहेंगे, आप पूजा पाठ बहुत करेंगे, प्रयास बहुत करेंगे, लेकिन आपके प्रयास जो है हमेशा निष्फल हो जाया करेंगे, ऐसा संयोग आपके लिए बनता है। और वर्तमान समय में कह सकते हैं कि आने वाले फरवरी 2016 तक आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत रहने वाली है। इस दौरान अगर आप भगवान श्री हनुमान, देवी दुर्गा या भगवान गणेश, इन तीनों देवी देवताओं में से किसी भी एक की पूजा आराधना पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको इसी समय में, इसी अंतराल में आपको एक अच्छा परिवर्तन भी मिलेगा। और ये परिवर्तन का जो समय आएगा आपके लिए, ये 28 जुलाई के बाद से आरंभ होगा। तो ये समय एक तरफ आपके लिए बहुत खराब है, लेकिन अगर देवी देवता का कृपा लेकर के, देवी देवता की पूजा पाठ करके आप प्रयास करें, तो इस दौरान आपको सफलता भी मिल सकती है। राहु जो है वो परिवर्तन का कारक होता है, जब राहु केतु आते हैं तो कहीं ना कहीं से जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है, तो ऐसे में उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। पूजा पाठ करें, प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों का हाल। तो बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि तुला राशि वालों का आज दिन कैसा रहने वाला है, चलिए भी जान लेते हैं आचार्य जी से। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप जो कुछ भी बात किसी से करते हैं, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, या किसी बिजनेस डील के लिए आप बैठने वाले हैं, तो जब भी आप किसी से बात करें तो बहुत सोच समझ करके आज आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, दुखी हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। आपका मंतव्य ऐसा नहीं था, आप किसी को प्रभावित करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपकी बात को दूसरी तरीके से लिया जा सकता है, तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज बहुत अच्छी खुशखबरी का दिन हो सकता है। आज आपके उच्चाधिकारी, आपके बॉस आपको प्रमोशन देने के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसकी मूल वजह आपका मेहनती स्वभाव ही है। आप जितनी मेहनत से, जितनी तल्लीनता से कार्य करते हैं, इससे प्रभावित होकर के आज आपके प्रति कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बारी है धनु राशि वाले जातकों की, तो चलिए जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। मित्रों के साथ आज आपको घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्रते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। व्यापार में किसी भी प्रकार की साझेदारी करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दांपत्य जीवन की सुख शांति के पक्ष से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। आज आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, ऐसे लक्षण आज आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर आज आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज स्थितियां थोड़ी सी पक्ष में हो सकती हैं। अधिकारी वर्गों से आपको आज किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आज अपने दम पर काम निपटाने का आपको सामर्थ्य रखना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं बनती। और चलिए जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी बात को लेकर के आज आपको काफी गुस्सा काफी क्रोध आ सकता है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने गुस्से को आज आपको नियंत्रण में रखना चाहिए। आज जल्दीबाजी में कोई गलत कदम आप ना उठाएं इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का राशिफल और चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार की मूर्तियां देवी देवताओं की भगवान की किस प्रकार की मूर्तियां आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए और उससे क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कण कण में परमात्मा विद्यमान है, फिर भी भगवान की आराधना में हमारा ध्यान या मन पूरी तरीके से लगा रहे इसके लिए मूर्तियों की पूजा की जाती है। मूर्तियों की पूजा करने का एक मूल कारण ये भी है कि जिससे हमारा मन उस आकृति में उस देवता में तल्लीन हो सके। हम अज्ञानी हम अमूर्ति स्वरूप भगवान को नहीं जानते पहचानते, तो हमको जोड़ने के लिए एक स्थान देने के लिए एक जुड़ाव महसूस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं को आकार दे दिया। उस आकार स्वरूप देवता को हम पूजते हैं। निराकार अभी हम इतने योगी नहीं हुए इतने ज्ञानी नहीं हुए कि हम निराकार स्वरूप को पूजने लगे। हम जहां बैठ जाएं या जिस कंकड़ को उठा लें हम उसी में शंकर मान लें। तो इसलिए जड़मतियों के लिए हम जैसे मूर्खों के लिए देवी देवताओं का एक स्वरूप बनाया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्वरूप बनाया कि आप इनको पूजे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। और जब जिस भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वहां देवता या देवी की साक्षात मौजूदगी हो जाती है, वहां पर वह ऊर्जा साक्षात रहने लगती है। मूर्तियों के पूजा के संबंध में एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य है, वह बात यह है कि यदि कोई भी मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित हो जाए, खंडित होने से तात्पर्य यह है कि टूट जाए, उसका कोई भी अंश कहीं से अगर टूटा हुआ हो तो उसकी पूजा हमें तत्काल बंद कर देनी चाहिए। पूजा ऐसी मूर्तियों की कदापि नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति में भगवान की मूर्ति का अत्यधिक महात्म्य माना जाता है। प्रभु की मूर्ति देखते ही भक्त के मन में श्रद्धा और भक्ति के भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रतिमा किसी भी देवी देवता की प्रतिमा पूर्ण होनी चाहिए। कहीं से भी अगर प्रतिमा अगर खंडित हो जाए तो उस प्रतिमा को पूजा के योग्य नहीं माना जाता, चाहे वह प्रतिमा मिट्टी की हो या कितनी भी बहुमूल्य धातु की हो, उस प्रतिमा की फिर पूजा नहीं हो सकती। और जिस प्रतिमा की पूजा होती हो अगर वह खंडित हो जाए और फिर उसके बाद आप उसको नियमित पूजते रहें, या फिर इस दोष से बचने के लिए कि आप खंडित मूर्ति की पूजा ना करें, उसको आप घर में उठा करके कहीं अगर रख भी देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा को अपशगुन माना गया है। प्रतिमा की पूजा करते समय भक्त का पूर्ण ध्यान भगवान और उनके स्वरूप की ओर ही होता है। ऐसे में यदि प्रतिमा खंडित होगी तो भक्त का सारा ध्यान उस मूर्ति के खंडित हिस्से पर भी चला जाएगा और वह पूजा में मन नहीं लगा सकेगा। जब पूजा में मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति भगवान से ठीक से भक्ति नहीं कर पाएगा, संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा और वह अपने आराध्य देव से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसी बात को समझते हुए प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों ने खंडित मूर्ति की पूजा को अपशगुन बताते हुए उसकी पूजा निष्फल ठहराई है। और इसका एकमात्र उपाय एकमात्र विधान यह है कि अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे किसी भी धार्मिक मान्यता के धार्मिक जो भी आपके आसपास कोई नदी है सरोवर है कुंड है वहां ले जाकर के आपको तत्काल विसर्जित कर देना चाहिए, जल प्रवाहित कर देना चाहिए। और जितने दिनों आपने पूजा पाठ की है अज्ञानतावश उसके प्रति आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो तो खंडित मूर्ति को अपने मंदिर में ना रखें। और लोकेश हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। लोकेश पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 5 जनवरी 2001 है जी, और सुबह 8:45 का समय जी। मेरा सवाल बीकानेर जी, बीमार रहता हूँ और करियर के बारे में और पढ़ाई के बारे में बताइए जी। जन्म का समय एक बार फिर से आप दोहरा दें। 5 जनवरी 2001
जी, जन्म का समय 8:45 सवेरे। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने पढ़ाई से संबंधित प्रश्न किया, आपने कहा कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और केतु का प्रत्यंतर है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसके बारे में आपको अपने अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। अगर इस योग का निदान नहीं किया जाएगा तो आपका जीवन ऐसे लक्षण मिलते हैं कि काफी संघर्षमय और असफलता से परिपूर्ण रहेगा। मैं आपको हताश नहीं कर रहा, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वह केतु के साथ बैठा हुआ है 12वें स्थान में। सूर्य और बुध दोनों पर राहु केतु ने ग्रहण योग बनाया हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य प्रभावित हो जाए तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, आत्मिक सुख और आत्मिक शांति जो है, संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऐसे में सबसे पहला काम सूर्य बुध राहु केतु का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। इस उपाय को करते ही आपका मन पढ़ाई में भी लगने लगेगा, अपने जीवन के प्रति आप थोड़ा सा गंभीर भी हो जाएंगे। इस दौरान आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करते रहना चाहिए। तो लोकेश, आशा है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय हमें दिया। जी, धन्यवाद।